व्हाट्स अप गाइस, आज है हमारा डे टू। तो आज हम जा रहे हैं त्र्यंबकेश्वर और फिर वहां से निकलेंगे वाइन यार्ड, जो कि है नासिक की फेमस सुला वाइन। तो अभी हम आज ये वो वाला वीडियो में थोड़ा हो गया था बड़ा, सोचा ज़्यादा बड़ा भी नहीं करूं, तो इसलिए आज मैंने सेकंड पार्ट टू बना दिया है। तो अभी हम जा रहे हैं, अभी बज रहे हैं 8 और 8 बजे हमने फ्रेश व्रेश हो लिया है। ये हमारा होटल है, ये हमारे रूम में 2 AC, 1 विंडो AC है और एक लगा है ये वाला AC दीवार वाला। तो ये क्या हो गया मेरा, हाँ हाँ अभी ठीक है। तो ये बंदे भी तैयार हो रहे हैं, ये सारे ठरकी 2 रुपए के आदमी, ये साले 2 रुपए के चोटे ये देखो इसको 10 पैसे का आदमी 10 पैसे का आदमी अब तक तैयार नहीं हो पाया है। 5 पैसे का तू पिछले आधे घंटे से बालों पे हाथ फेर रहा है पर अब तक तैयार नहीं हुआ है। तो अब ये तैयार हो जाए उसके बाद हम निकलेंगे। और मैं और अमूल हम दोनों हो चुके हैं तैयार। भाई हमारा सबसे पहले तैयार हुआ था रेडी, उसके बाद मैं, उसके बाद ये देख अब तक अपनी चड्डियाँ खड़ी कर रहा है। तो अमोल भाई एक्साइटमेंट कैसा लग रहा है हमें त्र्यंबकेश्वर जाने का, मजा आ रहा है? बहुत ही मजा आ रहा है। ये कोई 10 पैसे का आदमी कुछ तो बोल के जा रहा है बार बार, समझ नहीं आ रहा मुझे क्या बता, समझ नहीं आ रहा क्या कहूँ इसको। इसी के चक्कर में हम रात को आए थे, वरना हम शिरडी में स्टे करने वाले थे, बट सोचा यार ठीक है इसकी बात मान लेते, वरना गुस्सा हो जाता है, ये लड़कियों से हरकत है इसके अंदर थोड़ी थोड़ी। तो गाइस ये हमारा होटल था, बाहर और अंदर जाने का है वो है उसके उसी के अंदर है पवन लॉज। तो अभी अमोल और अंकेश दोनों हो चुके हैं तैयार, अब हम बाहर आ गए हैं। ये है हम नासिक रोड पे खड़े हुए हैं, तो यहाँ से पकड़ेंगे बस और सीधा निकलेंगे त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो चलिए त्र्यंबकेश्वर चल के आपको दिखाते हैं जो भी है। तो गाइस ये है CBS बस स्टैंड और हम बैठ चुके हैं यहाँ से बस में त्र्यंबकेश्वर के लिए। तो त्र्यंबकेश्वर जाने के लिए आपको CBS बस स्टैंड आना पड़ेगा। ज़्यादा टाइम तो नहीं मिला हमें, जैसे ही ऑटो से उतरे और डायरेक्ट बस लगी हुई थी तो वीडियो भी नहीं शूट कर पाया, तो ये शूट कर रहा हूँ मैं, तो बता रहा हूँ आपको। ये देखिए ये आसपास का एरिया है, लॉज भी अच्छा है, अगर आप यहाँ आके रुकते हैं तो सामने ही बस स्टैंड है, लॉज भी है पास में ही, तो ज़्यादा खर्चा भी नहीं आता। यहाँ की लॉज का मैंने पूछा है तो 200-300 रुपये पर हेड पड़ जाता है, एक कॉमन रूम में देते हैं। तो ये देखिए ये पूरा एरिया है, ये बस में हम बैठ चुके हैं, रेड कलर की बस होती है, तो रेड कलर की बस में आपको त्र्यंबकेश्वर जाना है। गाइस अभी हम उतर चुके हैं त्र्यंबकेश्वर बस स्टैंड पे और अब हम जा रहे हैं नाश्ता करने। इन छपरियों को लग गई है भूख, इसके शक्ल देख लो, इसके शक्ल के 12 बज रहे हैं जबकि अभी वैसे ही 9 बज रहे हैं। तो गाइस जोक्स अपार्ट, अब हम जा रहे हैं ये नाश्ता करने, फिर उसके बाद निकलेंगे हम मंदिर के लिए। ब्रेड पकौड़ा मंगाया है इसने, वड़ा पाव मंगाया है, ये देखिए बंदे खाने के लिए तैयार हैं, ये देखिए खा ले भाई खा ले। तो गाइस मैंने ब्रेड पकौड़ा मंगाया है और इन लोगों ने वो मंगाया है, भूख लगी थी नाश्ता करने के लिए। तो ये शॉप है, ये देखिए अच्छी शॉप है, टेस्ट भी अच्छा है, मैंने खा लिया यहाँ का ब्रेड पकौड़ा, अब मैं दोबारा मंगाया, ज़्यादा भूख लगी थी मुझे। तो मेरी मिसल पाव आ चुकी है, मिसल पाव पे लेंगे अब, ये देखिए उसके बाद आएंगे गुड़ी सेव। आज तो भरपूर नाश्ता करने वाले हैं, जितना हमने जीवन में नहीं किया। ये ऐसे चम्मच से भाजी लेने का और ये खाने का। तो गाइज ये है पूरा मार्केट, त्र्यंबकेश्वर मंदिर ये है और पास ये पूरा मार्केट है, आपको जो भी कुछ खरीदना है तो यहाँ से खरीद सकते हैं, शंख वगैरह या फिर जो भी कौड़ी वगैरह या फिर रुद्राक्ष वगैरह जो भी है। आसपास होटल वगैरह भी हैं तो यहाँ रुक सकते हैं आप लोग, स्टे कर सकते हैं, पर यहाँ थोड़े कॉस्टली हैं, जैसा कि आप अगर थोड़ा बाहर सिटी में लेंगे तो वहाँ सस्ते दामों में मिल जाएंगे आपको। तो
भोलेनाथ हो गए तैयार, चलो चलते हैं। हमने बेलपत्र ले लिया है, हम बेलपत्र चढ़ाएंगे वहाँ जाके, तो भी जहाँ तक कैमरा अलाउ होगा वहाँ तक आपको दिखा देंगे जो भी है। अंदर 3 घंटे का पानी ले लो ठंडा पीने के लिए। ये है ओम त्र्यंबकेश्वर देवस्थान ट्रस्ट, तो यहाँ पूरे में लाइन लगी हुई है और अभी हम यहाँ से स्टार्ट करें लाइन, तो अंदर चलते हैं हाथ धो लेते। ओ अंकेश हाथ धो लेते, हाथ 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 धो लेते हाथ। तो अभी हम जा रहे हैं लाइन में लगने के लिए, तो ये देखिए पूरे कितने लोगों की भीड़ लगी हुई है, बहुत भयंकर भीड़ लगी है। और अभी देखिए हम दूसरे हॉल में आ चुके हैं, यहाँ और भी ज़्यादा भीड़ है, उसके बाद हमें और भी हॉल क्रॉस करने पड़ेंगे, तब जाके हमें प्रभु के दर्शन होंगे। मुझे नहीं लगता हम 3 घंटे से पहले फ्री होने वाले हैं। तो गाइस यहाँ दर्शन चल रहे हैं टीवी पे, तो आप लोग देखिए हम भी यहीं से देख रहे हैं फिलहाल। अब अंदर जाने का मौका मिलेगा तो अंदर जाएंगे, लाइव दर्शन है ये। लाइन अभी भी लंबी लगी हुई है और ये देखिए ये कौन सी लाइन है, ये वीआईपी लाइन है क्या? अरे भाई तो गाइस ये वीआईपी लाइन है, कोई इसमें 200 रुपए बर्बाद किया है, इसमें 200 रुपए बर्बाद करके और वो भी 4 घंटे से खड़े हुए हैं और हम भी 4 घंटे से खड़े हैं और हमें और उनको वीआईपी लाइन में लगने के लिए भी टिकट के लिए भी 1 घंटा लग गया है, कोई दिक्कत नहीं है तो प्लीज टोटल 5 गए, वहाँ ना जाएं, अवॉइड करें उस लाइन को और हमारी लाइन ट्रस्ट द प्रोसेस, फॉलो द रियल प्रोसेस। भगवान के पास डायरेक्ट जाने की कोशिश करोगे तो ज्यादा तो गाइस महादेव के नारे लगते हुए हम आगे पहुंच चुके हैं बस जल्दी मुलाकात होगी महादेव से, कुछ 5-10 मिनट का इंतजार है, ऐसे ही अपने आप को तसल्ली देते हुए पिछले 4 घंटे से लगा हूँ लाइन में। ये बस निकट ही आ गए, गाइस हमारे आते ही हवा चलने लग गई है जोर से स्वयं भगवान का संकेत है, देखिए हमारे साथ आगमन किया जा रहा है, ये भैया भी हमारे साथ आगमन किया जा रहा है, मतलब आ रहे हैं हवा के साथ, हवा के हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, हमारे साक्षात दर्शन होंगे भगवान से। तो ये आ गया है मेन गेट जो कि त्र्यंबकेश्वर मंदिर के मेन गेट है, जो तो यहाँ पे आ चुके हैं। ये वीआईपी लाइन है, तो इस वीआईपी लाइन में भी काफ़ी मुशक्कत करने के बाद ही अपने को एंट्री मिलेगी, तो इससे अच्छा है इससे बचें और अपन नॉर्मल लाइन से आएँ, भगवान के पास दर्शन करने आओ। अगर आपका सच में टाइम नहीं है और आपको जल्दी करना है तो आप कर सकते हो, ऐसे कोई वो इशू नहीं है। तो जय तो बोलो हर हर महादेव, तो अंकेश बोलो हर हर महादेव, बोल हर हर महादेव, हर हर महादेव, कुछ महादेव
गाइस फाइनली दर्शन हो चुके हैं हमारे त्र्यंबकेश्वर मंदिर के और 4 घंटे लग गए हमें नॉर्मल लाइन में। तो कैसा लगा दर्शन करके, मजा आया कि नहीं? फुल मोटिवेशन। तो अभी हम लोग बाहर आ चुके हैं, बाहर खड़े हैं भाई लोग ने हमको मतलब निकाल ही दिया, आईना बड़ा वाला आईना लगाया, दर्शन अच्छे से हो जाते हैं, सही हो जाते हैं। हाँ मतलब उतना भी दूर नहीं है बाकी मंदिरों की तरह, पर बहुत अच्छे पास से हो गए, मतलब अच्छे से दर्शन हो गए, कोई उसमें वो नहीं है प्रॉब्लम। तो आप लोग भी अगर आए तो अच्छे से हो जाएंगे दर्शन। और ये देखिए हमारे पीछे जो मंदिर है त्र्यंबकेश्वर मंदिर, यही मंदिर है। तो अगर आप VIP लाइन में आएंगे तो आपको 1-2 घंटे में दर्शन हो जाएंगे, और वैसे आएंगे अपन नॉर्मल तो अपन को 4 घंटे लग जाएंगे। तो उसी बीच हमने अपने फोटो वोटो क्लिक करे हैं और फोटो वगैरह दिखाएंगे। ये देखिए VIP लाइन इतनी धूप में लगी हुई है, कहाँ से स्टार्ट हुई है, और ये देखिए। तो VIP लाइन से अच्छा है छाव में जाके लगो, नॉर्मल लाइन में VIP लाइन में लगने से कोई वो नहीं है। ये देखिए VIP लाइन कितनी भीड़ है, VIP लाइन में भी कितनी भीड़ है। आप अगर कुछ खाना चाहते हैं तो यहाँ रेस्टोरेंट भी हैं तो खा सकते हैं, भोजनालय वगैरह भी हैं, क्योंकि लंच का टाइम हो जाता है और फिर दोपहर भी हो जाती है, काफ़ी भूख वगैरह लगती है। तो काफ़ी मुशक्कत करने के बाद और दर्शन करने के बाद अब पीना पड़ेगा हमें गन्ने का जूस, क्योंकि अब हमें इस चीज़ की ज़रूरत है। और तो गन्ने का जूस पियेंगे अब हम और अपने आप को एनर्जेटिक करेंगे, उसके बाद निकलेंगे यहाँ से सुलावाइन के लिए। तो आ रहा है मेरा गन्ने का जूस। तो गाइस अभी हम आ चुके हैं कुशावर कुंड। तो यहाँ पे कुशावर्त कुंड है ये, तो यहाँ पे लोग वगैरह नहाते हैं, जिस किसी को अगर कोई नहा के ना तो यहाँ पे नहा भी सकते हैं आप लोग। ये देखिए ये मंदिर के पास में ही है, मंदिर से होगा 100-150 मीटर। तो ये देखिए लोग यहाँ नहाते भी हैं आराम से, आप आओ और नहाओ धो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये बंदे अपने तैयार हैं नहाने के लिए, गोता लगाने के लिए। अंकेश आर यू रेडी टू स्विम? तो ये गाइस कुंड है और यहीं पे केदारेश्वर आए मंदिर है, तो अगर फूल पत्ती लेना चाहते हो तो यहाँ दादी से ले सकते हो। और ये देखिए तो ये मंदिर है केदारेश्वर आए मंदिर, केदारेश्वर आए मंदिर। तो गाइस ये मंदिर था और ये कुंड है जहाँ लोग नहा रहे हैं, अपने आप को शुद्ध कर रहे हैं, उसके बाद पूजा पाठ वगैरह करते हैं। देखिए शाम में गणपति जी का मंदिर भी है और ये देखिए बाबा जी का मंदिर है, शंकर जी का मंदिर है, सारे मंदिर है। और वही अगर सुबह आओ, अगर आप त्र्यंबकेश्वर आए तो सुबह यहाँ आए, उसके बाद यहाँ नहाए धोएं, अगर नहाने का कुछ नहीं है, अगर नहा धो कर नहीं आते आप सीधा आते हैं ट्रेन से सुबह सुबह, तो यहाँ नहाने के बाद आप कपड़े अपड़े चेंज करके फिर आप सीधा जा सकते हैं दर्शन के लिए त्र्यंबकेश्वर मंदिर में, क्योंकि त्र्यंबकेश्वर मंदिर से ओनली 150-200 मीटर है बस। गाइस अभी हम आ चुके हैं एक चौराहे पे, जो कि हम त्र्यंबकेश्वर से जिस बस में बैठे थे ना, वहाँ हमने कंडक्टर को बोला था कि सुला चौराहे पे छोड़ दो। तो ये सामने जो दिख रहा है ना, ये है सुला चौराहे। तो अभी हमने अमृत गार्डन के नाम से उसको बोला था, तो अमृत गार्डन है वहाँ पे। तो अमृत गार्डन पे उतर के अभी हम यहाँ आए हैं, यहाँ से सुला पड़ता है 5.5 किलोमीटर। तो अभी हम ऑटो वगैरह देखेंगे, ऑटो या कैब उससे जाएंगे, फिर निकलते हैं आपको सुला दिखाते हैं वहाँ चल के। हेलो गाइस, मैं हम आ चुके हैं सुला वाइन यार्ड्स। तो ये देखिए अभी हम गेट पर हैं, वेलकम टू सुला वाइन यार्ड, और अब हम अंदर जाएंगे। तो ये देखिए यहाँ पर कितनी भीड़ है, जितनी त्र्यंबकेश्वर में नहीं थी ना उससे ज़्यादा मुझे यहाँ दिख रही है। तो देखिए कार कैसे पार्किंग, सारी कार पार्क हो रखी है। ये देखिए ये कार पार्किंग है यहाँ पे, अगर आप कार से आएंगे, क्योंकि आपको कार से या फिर कैब से ही आना पड़ेगा यहाँ पे, और ये बाइक पार्किंग है या फिर बाइक से आ सकते हैं। यहाँ पे बस वगैरह बसेस वगैरह नहीं चलती है, थोड़ा आउट में है।
तो आप आते हैं तो आपको अमृत सर्कल है तो वहाँ से आपको करनी पड़ेगी कैब वगैरह, वहाँ तक बस चलती है। तो चलिए और अंदर दिखाते हैं आपको, यहाँ से टिकट लेना पड़ेगा, तो टिकट लो और फिर अंदर घुसो, जो भी होगा फिर आपको भी दिखाते हैं। तो देखिए गाइस, ये है अंगूर की बेल, और जो भी प्रॉपर अंगूर की खेती कर रखी है इसी से वाइन वगैरह बनती है। पढ़िए, दीज वाइन्स आर ऑन वाइट रिल्स हॉरिजॉन्टल स्क्वाड। तो गाइस, ये सफ़र हुआ ख़त्म, हम जा रहे हैं वापस अपने घर। तो जो भी था अच्छा था, मज़ा आया, सब कुछ घूमा अच्छे से, हो गया ट्रैवल। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट, बाय।